अंधा पीछे कुत्ता खावे। नहीं आप हमको मारा पीटा और छोड़ दिया। हम खड़े हैं आईजी ऑफिस हिसार के सामने, जहां एक बहुत बड़ा मामला आया। 2 महीना पहले करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की एक प्रतिमा बरामद हुई थी यूपी से, और ये यहाँ CIA स्टाफ हिसार में कैसे पहुंची या और कहाँ पहुंची ये मूर्ति, जानेंगे एक शख्स से जो CIA की पिटाई के नीचे आया है। आपका क्या नाम है और क्या मामला था? आज IG साहब से आप मिले और कहाँ के रहने वाले हैं और क्या प्रतिमा का मामला है ये सर? चेक बताइए, फिर आपके साथ में खड़े हैं पैनलिस्ट। चेक कराने के लिए लाए थे। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू, हाँ जी। अच्छा, कितने पहले, कितने माह पहले ये प्रतिमा मिली थी, कहाँ मिली थी? ये अपनी यूपी मिली थी खुदान में। अच्छा, हाँ जी, एक बाबा जी को, तो उन्होंने मुझे दी। हाँ। कि चेक कर लो इनको। अच्छा। तो मैंने चेक कराने के लिए यहाँ लाए थे, तो इन्होंने कहे ठीक है और वापिस भेज दिया हाथी बस स्टैंड पे। उसने CI2 से कह के और उठवा लिया। वो प्रतिमा कहाँ है? करोड़ों रुपए की प्रतिमा है, अरबों रुपए की प्रतिमा बताई जाती है आर्कोलॉजिकल और बौद्ध धर्म की। CI2 के पास आज भी है। तो CI2 के पास कैसे पहुंची? उन्होंने ले ली और पूरी रात सबको मारा पीटा और छोड़ दिया। आपने प्रतिमा के टुकड़े किसी गोल्ड स्मिथ को या सुनार के पास भेजे थे? सुनार के पास एक दो छोटा सा टुकड़ा दिया था। अच्छा। चेक कराने के लिए, तो बोला ठीक है गोल्ड है। अच्छा, तो कितने जने थे उसमें, कितने शख्स थे आप? चार थे। सबको पीट पाट के छोड़ दिया और वो भगा दिया। और प्रतिमा कहाँ है, वो मूर्ति कहाँ है? वो CI2 के पास। CI2 के पास है ये जो है? मैं जानूंगा सर, CI2 के पास। आपका क्या नाम है? बबलू। बबलू, घूम के आप फिर आ गए और फिर आपने IG साहब के संज्ञान में मामला लाया। हाँ जी। हैं, क्या बोले IG साहब? बोले ठीक है कल मंगवा देंगे। CI2 के पास प्रतिमा है, कल मंगवा देंगे। हाँ जी। इतने दिन ये सार्वजनिक नहीं की इन्होंने? नहीं, फिर किसी दिन पहले किसी दिन सुनी नहीं थी। IG साहब ने सुनी आपकी? हाँ जी सुनी। क्या बोले? कल मिलवा देंगे। राठी जी, देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है कि ये प्रतिमा 2 महीने से आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जानी चाहिए। इसकी बेशकीमती है, करोड़ों रुपए की प्रतिमा है, हजारों साल पुरानी, और ये CI2 में बंद हो गई है, कस्टडी में बंद हो गई है। क्या चक्कर है? देश में अंधा पीसा कुत्ता खावे। IG ऑफिस के सामने खड़े? हाँ हाँ, देश में हो रहे अंधा पीसा कुत्ता खावे। नहीं, आपकी भी मुलाकात हुई तो हुई थी आज IG साहब से? सारी बात मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बताओ सर, पहले तो सुन लो, अंधा पीसा कुत्ता खाओ वो कहानी शहर में चली हुई है। ठीक है, एक बात बताओ, न सरकार या हमें दिखाई देती, न प्रशासन दिखाई देता। ये मूर्ति है या मूर्ति 2 से 5 हजार साल पुरानी मूर्ति, पता नहीं किस धातु की है, लेकिन सोने तो कई गुना महंगी है। ये उस सुनार ने इनको बताई थी। सबसे बड़ी बात, ये यूपी के रहने वाले हैं। जी जी जी। और ये लड़का यहाँ काम करता है 80 में जी, मजदूरी का, काफी सालों से। जब ये गांव में गया तो इसको बाबा जी ने मूर्ति दिखाई कि भाई ये खेत में मूर्ति लिखड़ी है, 4 किलो की मूर्ति थी जी। ये उसको लेके यहाँ आ गया और इसने वो मूर्ति सुनार को दिखाई। सुनार ने जब चेक करी मूर्ति अच्छी प्रकार, तो वो मूर्ति बोले सोने की है, रिपोर्ट भी बनाई जी, 79% सोना है। बाद में वो सुनार बोले या तो सोने से भी महंगी है और आप इसको घर ले जाओ, मैं इसके रुपये दे दूंगा आपको। 28,000 रुपये इनको दिए भी, बाकी आपको 20-30 लाख रुपये और दूंगा। कितने किस्तों में डाले हुए 28,000? हजार हजार करके दिए। अच्छा, तो ऐसे इसको वो पैसे डाले। उसके बाद में इसको बताया कि तू घर चला जा। ये जब घर जाने लगा तो 80 के अंदर CIA से मिलके इसको उठवा लिया जी। पूरी रात CIA ने इसकी दुनाई करी चारों की, और एक ही बात कही कि दोबारा हरियाणा में मत नजर आ जाइयो, दोबारा 80 में मत नजर आ जाइयो, यहाँ से भाग जाओ। और सुबह वो ही सुनार इनको छुटवाने के लिए आया, उसने छुटवा के इनको बस में बिठा दिया, यहाँ से चले जाओ। ये लोग यूपी चले गए। अब ये तो लेबर का काम यहाँ करता है, 15-20 दिन वहाँ भी न रह गए, वापिस आ गया। बाकी वो 3 आने से मना करके, नहीं भाई वहाँ नहीं जाएंगे, पुलिस पिटेगी। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूँ हमेशा, भाई बाहर का आदमी आ गया यहाँ लड़ाई कैसे लड़ेगा? यही घटना अगर हमारे साथ महाराष्ट्र में हो जाए, आंध्रा में हो जाए, तो हम कितनी लड़ाई लड़ लेंगे वहाँ?
इसीलिए ये ड्रग्गे इन लोगों ने वहाँ लड़ाई नहीं लड़ी, ये बात है 2 से 2.5 महीने पहले की। CIA ने वो मूर्ति अपने पास रख ली, न तो मीडिया में डिस्क्लोज करा CIA ने, बिल्कुल न उन्होंने किसी विभाग पुरातत्व विभाग को चिट्ठी लिखी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कुछ नहीं करा, वो मूर्ति अपने पास रख ली। इसका मतलब हमें डाउट हो गया इस बात का कि वो उसको बेच की खान के चक्कर में थे, और उसमें कुछ बड़े नेता भी शामिल थे। अकेले अधिकारियों की बस की बात नहीं होती, क्योंकि बड़े लोगों को शामिल करना पड़ता है। मामला करोड़ों का है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी बड़ी कीमत है, इसीलिए नेता तो शामिल करने पड़ेंगे जी। अब पुलिस ने क्या करा कि पुलिस इसको बेचने की फिराक में थी, बीच में आ गया ये वापिस। इसने आके पहले शिकायत कर दी यहाँ आईजी का, भाई ऐसे ऐसे मेरी मामला मेरी मूर्ति वहाँ रखी है या कहानी है, लेकिन इसकी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, इसे SP से भी नहीं मिलने दिया नीचे वाले लोगों ने। ये आप कथित आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इसको बेचने की फिराक में थी, अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं तो वो मीडिया में फोटो उतार के दिखा दे, भाई हमने यह मूर्ति फलाना आदमी से बरामद करी, जब यो पकड़िया इसके छित्तर मारे मूर्ति बरामद करी तो दिखाई क्यों नहीं, भाई कहीं तो उसने दिखानी चाहिए चढ़ानी चाहिए, देश किस लिए है। XYZ क्या कि माटी की थी, मान लो ये नहीं आता, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ सरकार को कि ये नहीं आंदा तो मूर्ति कहाँ जाती। अच्छा आप बताओ, कोई आवाज नहीं उठाता तो मूर्ति कहाँ जाती, जी जी जी, कौन खाता उसको। मैं बार बार एक बात कहूँ, जो भी माँ भ्रष्टाचार में शामिल है, एक आदमी शामिल है, 10 आदमी शामिल है, पूरा स्टाफ शामिल है, सबको डिसमिस करना चाहिए, सस्पेंड नहीं। भ्रष्टाचार में जिस प्रकार पंजाब के अंदर एक मंत्री को जेल में दे दिया, एक विधायक को जेल में दे दिया, तो मैं खट्टर साहब से पूछू हूँ, क्या खुले छुटे इन अधिकारियों को जो मन मर्जी करते हैं उनको जेल में क्यों नहीं देते आप लोग? क्या CIA को इतनी छूट है कि आप मनमा उसको उठा ले, मनमा उसको जूत मार दो, मनमा उसको छोड़ दो? कानून नाम की कोई चीज है कि देश में नहीं है, या गुंडा राज चला हुआ है? मैं बार बार इस बात के लिए सवाल पूछता हूँ, पूछता रहूंगा और बार बार मांग करता रहूंगा। आज आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस भ्रष्टाचार में जो नेता शामिल है उनका नाम एक्सपोज करें, और जो अधिकारी शामिल है उनको गिरफ्तार करा जाए, उनको टर्निमेट करा जाए, और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर अल्टीमेटली मुझे ये बताइए कि आज IG साहब से आप भी मिले होंगे, आप एनालिस्ट हैं आम आदमी पार्टी के, और आपका क्या नाम था? बबलू आप भी मिले होंगे, तो क्या लास्ट एश्योरेंस क्या दिया है कि भी ये प्रतिमा कहाँ रहेगी और कहाँ जाएगी, और इसके पीछे कौन दोषी है, क्यों इतने दिन ये ADG साहब ने अच्छा आश्वासन दिया है। अच्छा अधिकारी ठीक लग गए, अब बाकी तो आगे देखेंगे। अधिकारी ने उनको ऑर्डर दिया, भाई यहाँ मूर्ति लेके आओ, यहाँ लेके आओ, हाँ इंचार्ज को बुलाया है। अब हमारे सवाल यही है, इनसे पूछा जाए ये सारी बातें, और ये भी पूछा जाए क्या CIA को ऐसी कोई पावर सरकार ने दे रखी है कि किसी को उठा के पीटना है, पूरी पूरी रात उसकी धुलाई करनी है, फिर उनको प्रदेश से भगाना है? ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पास आ गया, हमें चिंता इस बात की कि यह देश की धरोहर है, या आपकी भी धरोहर है, या मेरी भी धरोहर है, इसकी भी धरोहर है, सबकी धरोहर है। इस धरोहर को सही हाथों पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हम इसके साथ लगे भाई। नहीं तो मजदूर का नाम सुनते ही हर आदमी सोचा छोटा नेता क्यों मदद करे, और फिर यो UP का यहाँ का थोड़े है भाई साहब, बाहर के आदमी की मदद करना, और वो भी किसके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ मदद करना, इस बात को आपके सामने लेके आना। आज मीडिया के सामने तो हमें लेके आए इस बात को, मीडिया में तो थी नहीं ये बातें। अब ये मीडिया के अंदर हम मांग करते हैं कि इसको तस्वीर को IG साहब रखें और बताएं भैया पूरी कहानी या थी, ये लोग दोषी हैं, इन पर हम कार्रवाई करने लग रहे हैं। बबलू आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है क्या? पहले आपका रिमांड हुआ, बुरी तरह पीटे गए, आपके साथ ही पीटे गए, भगा दिए गए, अब दोबारा आप फील्ड में आए हैं, तो IG साहब ने आपके सिर पे हाथ रखा है क्या? हाँ जी बोल दिया, कल कुछ नहीं होने देंगे आपका, कुछ नहीं होने, हौसले में है आप? हाँ जी हैं, और इसको सही जगह इसको पहुंचाना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही जगह पहुंचाना चाहते हैं इसको। 100% भाई साहब, या तो मैं मानू म्यूजियम में रखनी चाहिए, या फिर जो पुरातत्व विभाग है उनको देनी चाहिए, या बहुत बेशकीमती धरोहर है अपने देश की। 2 से 5 हजार साल पहले ये मूर्ति थी, उस समय देखो हमारे देश के अंदर ऐसे जो कलाकार थे, ऐसे शिल्पीकार थे, जो इतनी सुंदर मूर्ति जो उन्होंने बनाई, बौद्ध धर्म की मूर्ति है, तो उस समय भी हमारे जो भगवान थे, हमारे देवी देवता थे, उनकी पूजा हम करा करते, ये बात दिखाता है कि सनातन धर्म कितना मजबूत। धन्यवाद साहब, बबलू जी धन्यवाद आपका। और ये प्रतिमा करोड़ों अरबों रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी वैल्यू आकी जाएगी, और फिलहाल बकौल यानी कि हमारे राठी जी और बकौल बबलू जो विक्टिम रहा है, इनका कहना है कि IG साहब ने कहा है कि ये CIA
2 से हम इस प्रतिमा को यहाँ सार्वजनिक करेंगे और उसके बाद क्या होगा, कौन दोषी मिलेगा, वो सारा इंक्वायरी का मैटर है। फिलहाल ये लोग आईजी साहब से मिले हैं और प्रतिमा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाए या उस धर्म के पास जाए ये देखने वाली बात है। लेकिन मामला बड़ा संगीन है, बड़ा गोरख धंधा हो रहा है देश के अंदर। देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं मेरे सहयोगी अजय सैनी और रवि सैनी के साथ एक बड़े मामले के साथ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को ताकि आइंदा कोई ऐसा गोरख धंधा ना हो। देखते रहिए, मैं राजीव बंसल फिर मिलता हूँ एक नए बड़े स्कैम के साथ।